चलो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। अच्छा क्वेश्चन नंबर थ्री में यहाँ पे क्या है, यू फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर वाई। सो प्रीवियस प्रॉब्लम हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जो फोर वाई रहेगा ग्राफ, तो उसका ग्राफ कैसा रहेगा। सबसे पहले तो आप ऐसा लिख लीजिए, ये हो गया आपका क्या वाई एक्सिस सपोज, और ये हो गया एक्स एक्सिस। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जो फोर वाई बोलेगा ना, तो ग्राफ कुछ ऐसा ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। कैसा होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रख लीजिए, काफी जी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर वाई का ग्राफ ऐसे ड्रॉ करना है। नहीं हो सकता है तो आप टेबल भी रेफर कर सकते हैं, आपको याद नहीं है तो क्या कीजिए, कुछ नहीं दिमाग लगाइए, एक्स कॉमा वाई यहाँ पे पुट करना, मतलब एक्स का वैल्यू जब जीरो डाला तो वाई का वैल्यू जीरो, मतलब यहाँ पे आएगा जो पॉइंट जीरो कॉमा जीरो आएगा, करेक्ट। इस तरह से आपको ये एक आइडिया लेना है कि क्या है, तो ये मेरा आ गया। अब y इज इक्वल टू टू, मतलब y इज इक्वल टू सपोज यहाँ पे जीरो है या वन है टू है, तो y इज इक्वल टू दिस इज माई वॉट y इज इक्वल टू टू एंड दिस इज माई वॉट y इज इक्वल टू फोर, ये दो वैल्यू हो गया आपका y इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू फोर। और एक और चीज़ बोला इसमें y एक्सिस, मतलब ये लेना है, तो मुझे सिर्फ एक पार्ट का ही लेना है, सपोज इसका ही मैं ले लेता हूँ कि नहीं, सिर्फ एक पार्ट का मैं लूँगा, अगर ये y का इस साइड का नहीं लेना है या फिर इस साइड का नहीं लेना है, इससे ये आपको हो गया, क्लियर, गॉट माई पॉइंट। क्या करना है, अगर ये y नहीं बोलते तो हम लोग एक साइड का लेते और मल्टीप्लाई करते दोनों साइड का, ठीक है। सो लेट्स सी नाउ, फाइंड इसका नेम कर देते हैं, नहीं तो दिस इज ए पार्ट, दिस इज बी पार्ट, दिस इज सी पार्ट एंड दिस इज डी। सो नाउ एरिया, एरिया ऑफ ए बी सी डी डेट विल बी वॉट, क्या हो जाएगा आपको पता है, टू से फोर तक, क्यों, कि लोअर लिमिट क्या हो गया टू और ये हो गया अपर लिमिट फोर, और इंटीग्रेशन क्या करना है, x कॉमा डी वाई, एक्स और क्या होगा आपका डी वाई होगा। अब x डी वाई क्यों क्या, क्योंकि हम लोग ना x का वैल्यू डालेंगे इन टर्म्स ऑफ y, y के टर्म में क्यों, क्योंकि y का वैल्यू दिया हुआ है, तो जैसे देखो यहाँ पे रफ में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर वाई दिया, तो x इज इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट ऑफ फोर वाई, मतलब फोर का तो टू हो जाएगा और ये रूट टू वाई एज इट इज, क्लियर। ये तो बहुत काफ़ी ईजी था, सो ये मैं एज इट इज लिखने वाला हूँ, एक्स का जगह मेरा हो जाएगा टू रूट ऑफ वाई डी वाई, टू कॉन्स्टेंट था बाहर आ जाएगा, रूट वाई का अब इंटीग्रेशन करने का है अपर लोअर लिमिट अपर लिमिट, सेम कॉन्सेप्ट एक्सेस टू पावर एन का इंटीग्रेशन होता है, एक्सेस टू पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अभी आपको बता दीजिएगा, टू एज इट इज, टू से फोर आ जाएगा लोअर लिमिट, अब इंटीग्रेशन कर देते तो इंटीग्रेशन का साइन हटा देते, ये वाई है, वाई पर हाफ था रूट का, मतलब हाफ प्लस वन, हाफ प्लस वन, ठीक है, और लिमिट होगा टू टू फोर। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, समझ के लीजिएगा, इसको लिख सकते हैं वाई रेस्ट पावर थ्री बाई टू, क्योंकि हाफ प्लस वन थ्री बाई टू, वो भी आपको अगर डाउट है तो देख लीजिए, हाफ प्लस वन, वन प्लस वन लिख सकते हैं उसको, ठीक है। और टू और वन, टू और वन कैल्सियम लोगों क्या आएगा, टू आएगा, टू से टू को डिवाइड कर दीजिए, क्या आएगा वन, टू से टू को डिवाइड करना है, रूल क्या है, डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड किया, टू से टू को डिवाइड किया आया वन, वन इंटू जो भी वैल्यू ऊपर में उससे मल्टीप्लाई किया वन ही है, प्लस का साइन है प्लस, वन से टू को डिवाइड किया टू, टू इंटू वन क्या देगा टू देगा, तो आपका आ जाएगा थ्री बाई टू, ठीक है। तो इस वजह से पावर थ्री बाई टू आ गया मेरा, नीचे में भी सेम कॉन्सेप्ट थ्री बाई टू। अब ये थ्री बाई टू है, ये ऊपर में जाएगा और बन जाएगा क्या, अभी ये टू ऊपर में जाएगा और टू टू बन जाएगा फोर बाई थ्री, नीचे का फोर बाई, अब बच गया आपका थ्री बाई टू, अपर लिमिट जो था फोर और टू, फोर और टू, करेक्ट। अब वन बाई वन पुट कर देते हैं, पहले अपर लिमिट पुट करते, रूल है अपर लिमिट वाई के जगह पे पुट करते फोर थ्री बाई टू माइनस लोअर लिमिट आप पुट करते हैं, ठीक है, सेम प्रीवियसली क्वेश्चन जैसे किया था, फोर को आप लिख सकते टू रिस्ट पावर टू थ्री बाई टू एज इट इज, टू टू कट हो गया माइनस टू रिस्ट पावर थ्री बाई टू, सो फाइनली यू विल गेट फोर बाई थ्री, यहाँ पे टू रिस्ट पावर थ्री आ जाएगा एट, और ये बच गया आपका टू रिस्ट पावर थ्री बाई टू को देखिए कैसे लिखे, सबसे पहले टू रिस्ट पावर थ्री का काम कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे करना है टू रिस्ट पावर थ्री बाई टू को कैसे सॉल्व करना है, टू रिस्ट पावर पहले पावर क्या है थ्री है, तो टू इंटू टू इंटू टू, फिर क्या है टू नीचे में, इसका मतलब क्या है स्क्वायर रूट, तो दो का पेयर बनाया क्या गया टू बाहर और ये टू अंदर रह गया, तो टू रूट टू आंसर आपका हो जाएगा टू रूट टू, क्लियर। तो आप इसको लिख सकते हो दिस मच यूनिट एरिया, क्लियर, नो प्रॉब्लम।